अब ये सेमीफाइनल का जो प्राइज है हमारे अमरापड़ा एसआई अरविंद कुमार मंडल सर के सुभातों से झारखंड बाजार पाकु टीम को मिल रही है। सेमीफाइनल का जो प्राइज बनी है टोटल 20,000 रुपया देकर के सम्मानित कर रहे हैं। एक बार झारखंड बाजार पाकुड़ के लिए एक बार जोरदार क्लैप होना चाहिए। बहुत ही अच्छा खेले झारखंड बाजार की टीम, लेकिन सेमीफाइनल पर किकअप मार करके मैच का आगाज किया जाएगा। बॉल किकअप के लिए हमारे जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता श्री हेमलाल प्रभू सर रहेंगे और जिला सचिव सुलेमान बास्की, ये दोनों बॉल पर किकअप मार करके मैच का आगाज करेंगे। नितंत तो बॉल किकअप हुई वहां हेमलाल प्रभू सर और सांस कहते हैं सुलेमान बास्की सर द्वारा बॉल किकअप कहते हैं आगाज हुई कदम आई मैं मसर हाउ सर और देदला जो तो मानवतन पड़ा को और अपनी तो मापे मानव बचिर ले अतंग ग्रामे पिया और अपे यार दाबना समय हम लगी अपे आई मैं मसर हाउ वह क्लब से कोई पहचान चुप करा और देदला तेही नो टोटा ना फाइनल गति पुनियला जहां तो 120,000 और 1,00,000 टकर ना महा मुकाबला ही हुआ। फाइनल मैच का इनॉग्रेशन हो चुका है, अब हम देखेंगे फाइनल का ये मुकाबला दो दिग्गज टीमों के बीच में, दो सिरों के बीच में ये तगड़ा मुकाबला होगी जिसमें 1,20,000 और 1,00,000 रुपया का ये महा मुकाबला खेला जाएगा। जो भी टीम विनर बनेंगे वो 1,00,000 ये फाइनल मैच का कम डाउन स्टार्ट हो चुका है। निश्चित रूप से आज ऐसा आदिवासी एफएम गांवता क्लब कलहाजोर अमरापड़ा पाकुड़ के सौजन्य से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ उपलक्ष में ये जो टूर्नामेंट आयोजन की गई थी इसका आज फाइनल दिन समापन दिन है और इस आयोजन को आप सभी दर्शक दीर्घाओं ने, आप सभी ऑडियंसों ने निश्चित रूप से सफलतापूर्वक संपन्न करने में आप अपने महत्वपूर्ण समय को निकाल करके आज जिस प्रकार से यहाँ पर आप लोग शरीक हैं, उपस्थित हुए हैं, जिससे आज ये टूर्नामेंट सफलतापूर्वक लगभग संपन्न होने के कगार में है, इसके लिए सबसे ज्यादा आप सभी धन्यवाद के पात्र रहेंगे क्योंकि लगातार 3-3 दिन आप सब ने अपना बहुमूल्य समय इस टूर्नामेंट के नाम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के ऑर्गेनाइज कमेटी को जिन्होंने इस टूर्नामेंट को इतना बेहतर तरीके से आयोजन किया, यहाँ के व्यवस्था को इतना बेहतर बनाए रखा है, यहाँ का हर एक अरेंजमेंट सिस्टम और यहाँ के कमेटी बहुत ही केयरिंग कमेटी है, हमेशा जो है रेफरियों का हम सबों का इतना ज्यादा केयर किया है, मैं इसके लिए कमेटी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इनका जो 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का ये जो आयोजन था ये आज सफलतापूर्वक लगभग संपन्न होने के कगार में आ गया है। घुस गया फाइनल के दिन मैच में।
शुरुआत हुई के ना मौका बना हुआ गोल लगी क्रॉस से लेना डिमोज बन खाए बड़े प्लेयर सा थोड़ा का नभावता है के ना बन खाए नियो बीच रे बॉल पोजीशन जहां तो बना और भी था उन्होंने कोई जर्सी नंबर 9 हरों का खिलाड़ी उन्होंने कोई बॉल टीम रे का तिल्ला ने क्रूर दे था या पाटिल कोला आर्मीधम उन्हें खुलूक लगा टीम कर्लुस टुडू हल्का मचा कर्लुस अपने लॉपिंग पास बन खाई गोलकीपर अपने अभी ने पाई स्टेप आउट नहीं लगा दिलीप पारी कोला से फिर नसीन अपने पास उन्हें 5 नंबर उन्हें गति दिया यहाँ तो मनिक बुर्मो अजय हमरों यहाँ तो सभी खाना लेकर ना मैच में पर्याय गोल का दिल खिलाड़ी बड़ी महत्वपूर्ण प्लेयर से रहे अजय हमरों तीन या दिन बाबू जतो को लगे नवा भारत वर्ष नवा एक नादी को लगे बड़ी अहम दिन का ना एंडे तीन दो आपो पूरा मेता में भारत दिशा में जहाँ तो आपोरे राष्ट्र पिता जहाँ तो बोल मेताई का महात्मा गांधी उड़िया जन्म महाती हिंदो तह का ना और उड़िया जन्म महा लसन है तिगी जा बुझर लेकर उन्हें नुका की गांधी और आमों का ना और नेसो उनका की हाँ इनवा टूर्नामेंट आयोजन लेना मैं कहीं वहाँ में ना बुझो तो करना लेकिन तिहिं दो एक ना पूरन महात्मा गांधी आज जोड़ों महादोबांग बल्कि उन्हीं सांसों के थे जहाँ तो आप भारत दिशा में दो सारी प्रधानमंत्री तहे का तो बोल लाल बहादुर शास्त्री नुया में जोड़ों महाता है का ना अदो तिहिं नुकिना जोड़ों महा उपलब्ध रे नोने तिहिं जो का बोल जरवाओं का निदर निदर दिशा बुझाओ का आप योतो को नुकिना जयंती ना हेमा हेमा शुभकामना आप ले चाल पे का ना संगे साथे तिहिं उन्हें सर्च उन्हें इंसान बुन दिसाइया जहाँ दोनों आदिवासी एवं गांवता क्लब कलहाजोर द्वारे जोनम दत्ता करना है जोनम दत्ता तो जहाँ दो ये तो हो बटुम का नवा क्लब है बना बटुम का जहाँ दो आबू तवार तो नितो तो उन्हें तो बनुया उन्हें तो ये बंगाल तलाई ना बैंक कर उन्हें आयुर रहे नित भी नवा कलहाजोर आतुरे एक टीम कुड़ाकू युवा कुड़ाकू लगातार उड़िया अयुर रहे उड़िया तलम दहर रहे हों ऐ तलम लहा करते नीथो हों नवा क्लब से नवा टूर्नामेंट हों इनको हरा पुरु का से कुछ चलाव बनावे काम उन्हें इतने उनको हों जतो कुछ सराव कुछ चल चुवा हरा पुरे नवा क्लब बन जहाँ तो जन्म दता है तहे करना संस्थापक के तहे करना स्वर्गीय सुधीर हेमरम जहाँ तो उप तला दता को बताए गंध है उड़िया होगा नवा धरती खोई उका दई बोंगा तलायन अबू तला करे हसा धुड़ियन तहे कर वाला दिन दो मेदा में दिन तारीख जहाँ तहे कर 17 June 2019 रे उन्हें तो अबू बोगी कहते हैं हसा धुड़ी ना अंदर तिही उन्हीं हो थोड़ा गन बोल दिसे विहर दी करना एंडे उन्हिया अयुर रे उन्हिया तलाम लहारे तिही उनका क्लब चला बना वाले ना क्लब रे कुलाकु नीतो हवाई अड़ी मोच उन्हें आयु रहे हों ये चला बनाओ के देन वहाँ टूर्नामेंट नीत धरी को रखी जोगा उका से अटी पोज हरा पुरुम करना लहा नोने तो को मैंना कथाई लटलटू बयार डंगरा को दाने को था एकदम लटू
ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱠ ᱞᱟᱠᱷ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱮᱠ ᱞᱟᱠᱷ ᱵᱤᱥ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱡᱚᱛᱚᱧ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱞᱟᱜᱟᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱥᱚᱦᱚᱭᱳᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱴᱩᱨᱱᱟᱢᱮᱱᱴ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱦᱚᱭ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱞᱟᱵᱽ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱧ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ 2024 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱯᱨᱟᱭᱤᱡᱽ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱥᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱢᱚᱡᱽ ᱯᱞᱮᱭᱟᱨ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱯᱷᱮᱰᱚᱜ ᱜᱟᱛᱮᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱨᱢᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱢᱩᱨᱩᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱸᱭ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱨᱳᱞ ᱠᱚ ᱱᱤᱵᱷᱟᱹᱣ ᱠᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱱ ᱨᱮᱯᱷᱨᱤ ᱨᱮᱯᱷᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱮᱢ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱨᱮᱯᱷᱨᱤ ᱠᱚ ᱟᱜᱟᱨ ᱥᱩᱠᱨᱤᱭᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱛ ᱠᱚᱢ ᱯᱚᱲ ᱡᱟᱭᱜᱮ ᱤᱛᱱᱟ ᱵᱟᱲᱟ ᱟᱯᱱᱟ ᱠᱚᱱᱴᱨᱤᱵᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱫᱮᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱮᱠ ᱴᱩᱨᱱᱟᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱨᱮᱯᱷᱨᱤ ᱠᱤᱭᱩᱠᱤ ᱜᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱠᱮ ᱟᱱᱫᱟᱨ ᱨᱮᱯᱷᱨᱤ ᱠᱮ ᱯᱟᱥ ᱵᱚ ᱮᱛᱷᱚᱨᱤᱴᱤ ᱦᱚᱛᱤ ᱦᱮ ᱵᱚ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱦᱚᱛᱤ ᱦᱮ ᱠᱤ ᱜᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱠᱮ ᱟᱱᱫᱟᱨ ᱨᱮᱯᱷᱨᱤ ᱡᱚ ᱰᱤᱥᱤᱡᱚᱱ ᱞᱮ ᱵᱚᱦᱤ ᱚᱱᱛᱤᱢ ᱰᱤᱥᱤᱡᱚᱱ ᱦᱚᱛᱟ ᱤᱥᱢᱮ ᱠᱩᱪ ᱵᱷᱤ ᱱᱤ ᱦᱚ ᱥᱚᱠᱛᱟ तो आप समझ सकते हैं कि एक टूर्नामेंट में रेफरी का क्या दायित्व होता है, क्या कर्तव्य होता है, किस प्रकार का जिम्मेदारी वो निभाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी ऑफिशियल टीम्स को, जिसमें हमारे मुख्य रेफरी में हमारे पवन मुर्मू सर है, सहयोगी रेफरी में AR1 में अगर देखें तो यहाँ पर विनय मुर्मू, AR2 में हमारे भोपड़ा मुर्मू सर, सेकेंड एडिशनल असिस्टेंट रेफरी की भूमिका में उत्तरी छोर से मनु क्रिस्टोफर किसको जी, जबकि दक्षिणी छोर से हमारे ऑफिशियल टीम में सबसे अनुभव रखने वाले, लंबा तजुर्बा रखने वाले हमारे जो रेफरी है वो है रिचर्ड टुडू सर। ये एक रेफरी ही नहीं बल्कि एक प्लेयर्स कोच भी है, कई जगह इनका कोचिंग कैंप भी चलता है। अगर किसी भी प्लेयर्स को कोचिंग की जरूरत है तो आप हमारे रिचर्ड सर से संपर्क कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल मंच पे अपना योगदान देते हुए हमारे बर्नाबास मुर्मू सर, और ये देखिए देखते ही देखते यहाँ पर गोल आ गया है फाइनल में, फाइनल रखो गोल का। अच्छा जहां हम गोल का अभी तो रहा जर्सी नंबर दो तरह में गोल वाला खिलाड़ी 15 नंबर पाडेर कोला 15 नंबर से कोई गोल करा अजय टुडू करा नहीं दो आर अपन पुलिस रे जवान हो करा ओ भाई साहब आज पुलिस के जवान अजय टुडू ने फाइनल में गोल करके अपने टीम को बढ़त दिलाया है। निश्चित रूप से ये बड़ी गर्व की बात है कि अभी भी इनका फिजिकल फिटनेस, इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर इतना ज्यादा होने के बावजूद, भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी आज इतना बेहतर खेले अजय टुडू और अपने टीम के लिए फाइनल जैसे मैच में पहला गोल देकर के अपना टीम को मजबूती दिए हैं। मैं पुलिस अजय टुडू को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रकार के परफॉर्मेंस के लिए। इसीलिए तो कहते हैं अगर जिंदगी में आपका कोई अरमान है, कोई लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से उसको पूरा करने में आप जी जान लगा दीजिए, निश्चित रूप से एक दिन जरूर आप सफल होंगे। चाहे उसके बीच में जितने भी कठिनाई परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हर चीज को आप लांगते हुए आगे बढ़िए, लड़ते हुए बढ़िए, निश्चित रूप से एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो निश्चित रूप से कहते हैं कि अपने नन्हे से दिल में कोई अरमान बनाए रखना, अपने नन्हे से दिल में अपने अरमान बनाए रखना, दुनिया के भीड़ में अपनी पहचान बनाए रखना, अपने नन्हे से दिल में कोई अरमान बनाए रखना, दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान बनाए रखना, अच्छे नहीं लगते हो जब रहते हो उदास, अपने होठों पे सदा वही मुस्कान बनाए रखना। तो होठों पे मुस्कान किसकी होगी, जो हर एक चीज में आगे हो, सफल हो, कामयाब इंसान हो, जहां भी वो खड़ा हो उसके चाहने वाले लोग वहां पर मौजूद हो, उनका मान सम्मान हो, वो इंसान सक्सेसफुल इंसान में गिने जाते हैं।
और उनके चेहरे में कभी भी उदासी नहीं,